अस्सलामुअलैकुम, बी पॉजिटिव के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूनस भट्ट। थैंक यू नाजरीन। बंदे की शख्सियत का पहला तारफ उसका लिबास होता। पहले लिबास देखकर पता चलता कि पहनने वाला कौन है, अब उनका लिबास देखकर यही पता चलता है कि उनका ड्रेस डिज़ाइनर कौन है। ड्रेस डिज़ाइनर इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि हमारे एक जानने वाले के यहाँ औलाद हुई, पूछा बेटा हुआ है या बेटी, तो बोला ड्रेस डिज़ाइनर हुआ। पहले किसी से पूछते क्या पहना है तो वो बताता सलवार कमीज, साड़ी या सूट। अब किसी से पूछो क्या पहना है तो जवाब मिलेगा नोमी अंसारी, शहरयार, दीपक परवानी। अच्छा, नोमी अंसारी ना हुआ, कौमी साड़ी हो गया। दीपक परवानी है कि दबके वाली शेरवानी जो आपने पहन रखी है। तो ड्रेस डिज़ाइनर और दर्जी में ये फ़र्क है कि दर्जी माप लेकर आपकी ड्रेस ख़राब करता है और ड्रेस डिज़ाइनर माप लिए बगैर ये कर लेता है। आइए आज के मेहमानों से मिलते हैं। नाज़रीन, हमारे पहले मेहमान हैं बशीरा टेलर साहब। तशरीफ लाएं बशीरा टेलर साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूं। जरूर जरूर बैठेंगे, पहले जिस काम आए वो मुकम्मल कर लें जरा। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको जो है ना कपड़े सिलवाने के लिए नहीं बुलाया। जी जी, आपसे गुफ्तगु होगी, बात करेंगे। ओह सॉरी डॉक्टर साहब, असल में सर पे काम का बोझ ही। हाँ, मुझे ये नजर आ रहा है आपके सर पे बहुत है काम का बोझ। ये थोड़ा बोझ मैं उतार दूं? चले शुक्रिया। चले, वैसे काम तो आपकी भाभी का था, चले आपने कर दिया। आप तशरीफ रखे, शुक्रिया। तो बशीरा टेलर साहब जी, ये आप टेलर किस से मुतासर होके बने? एलिजाबेथ टेलर से। वो तो एक्ट्रेस थी। देखिए, हमारी बरादरी की टेलर इतना आगे जा सकती हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? आप देखें, पहले मैं करता था काम फ्रूट का, हर फल से कीड़ा निकल आता, लोग कंप्लेन करते, तरह तरह की बातें करते। आप बताएं 100 रुपए किलो जो फल होगा उसमें से कीड़ा नहीं निकलेगा तो क्या कोहेनूर हीरा निकलेगा? अच्छा, तो फिर क्या किया? फिर मैंने टिम्बर बिजनेस शुरू कर दिया डॉक्टर साहब। वो चला लाहौर में आपके भाई का कारोबार, हर इशारे पे मेरी मसवाकें बिकी। फिर ये आपका लकड़ी का बिजनेस है? जी जी, मसवाकें दरख्त से निकलती हैं जनाब। अच्छा, फिर क्या किया? फिर मैं बन गया जेब कतरा। इतनी जेबें मैंने काटी डॉक्टर साहब, इतनी जेबें काटी। एक शरीफ आदमी ने मुझे मशवरा दिया, कहता यार इतना अच्छा काटते हो, कोई और काम करो। मैंने सोचा, मैंने कहा अगर मैं जेबें काट सकता हूँ तो पूरा सूट क्यों नहीं काट सकता। बन गया आपका भाई दर्जी। ठीक कह रहे हैं, टेलर वो बंदा होता है जो गर्दन काटने के भी पैसे लेता है। तो नाजरीन, हम अपनी अगली मेहमान को बुलाते हैं। तो एक ड्रेस डिज़ाइनर हैं ज़ारा शुमार, वो ओरिजिनल ड्रेस डिज़ाइन करती हैं। अच्छा, नहीं मैंने ओरिजिनल ड्रेस डिज़ाइन करने का कहा तो आप इस पे हंसे क्यों हैं? भाई आप लतीफ़ा सुनाएंगे तो मैं तो हंसूँगा। हमारे डिज़ाइनर कॉपी नहीं करते। आप बी पॉजिटिव में आए हुए हैं तो बी पॉजिटिव हो जाएं। ओके ओके। तशरीफ लाती हैं फैशन डिजाइनर ज़ारा शुमार। क्या कर रही हैं? आपसे गुफ्तगू करने के लिए हमने बुलाया है। आर यू टॉकिंग टू मी? जी प्लीज आइए। थैंक यू। आइए तशरीफ रखिए। हाय, हेलो। वहाँ तशरीफ रखिए। वैसे मोहतरमा, ये कैटवॉक करते हुए अगर आप साथ मुंह से म्याओ म्याओ करती तो और अच्छा इम्पैक्ट आता। देखें, आपको औरतों से जरा तमीज से बात करनी चाहिए। तमीज से ही बात कर रहे हैं? अब कल एक औरत आई मेरे पास, मोटी, कहने लगी कोई स्लिम सूट बना दे। मैंने प्यार से कह दिया मोहतरमा तंबू बनाने वाली दुकान आ गया है, अब बताएं ये कोई बदतमीजी है? यही बदतमीजी। पहले ही हमने सारी जिंदगी डर डर के गुजारी है डॉक्टर साहब, आप भी डरा ले। पहले वालदैन का डर, फिर उस्तादों का डर, फिर गाहकों का डर,
डर ही डर है हमारी जिंदगी में। आपने बीवी का जिक्र नहीं किया। डर के मारे नहीं किया। ज़ारा शुमार साहबा, आपका शुमार उन ड्रेस डिजाइनर्स में होता है जो बहुत डिफरेंट और अनोखे डिजाइन लेके आती हैं। एक्चुअली डॉक्टर साहब, मैंने पिछले हफ्ते ऐसा वेडिंग ड्रेस डिजाइन किया था जिसे अगर उल्टा पहने ना तो वो डिवोर्स ड्रेस बन जाता है। इजंट इट अमेजिंग? आप कमाल हैं। आपने एक ऐसा ड्रेस पहले डिजाइन किया था मर्दों के लिए कि जिनको उल्टा करके उनकी बीवियां भी पहन सकती थी। राइट। एक्चुअली मैं ऐसे डिजाइन बना रही जिसे देखकर दुनिया हक्का बक्का रह जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आप कफन डिजाइन कर रही हैं। वो ड्रेस मेरा डिजाइन जो है ना वो चोरी कर लिया, यू नो प्राडा ने मेरा डिजाइन कॉपी कर लिया। मेरे तो कुछ ऐसे डिजाइन भी चोरी कर लिए जो भी मैंने सोचने थे। अभी जो मैंने जीन डिजाइन करी थी वो यू नो 30 साल पहले ही चोरी हो गया था डिजाइन। लिबास के बारे में आपकी क्या राय है, कौन सा लिबास आपको अच्छा लगता है, और पेंट के बारे में क्या राय? पेंट भी कोई लिबास है डॉक्टर साहब? देखिए आप, ऊपर से वाहद नीचे से जमा। पेंट कोई लिबास नहीं है। अगर किसी बंदे ने पेंट पहनी हो और पेंट पहन के बैठना पड़ जाए फिर उठना पड़ जाए तो वो उठने से पहले सुई धागा ढूंढ रहा होता है। ज़ारा, आपका पसंदीदा लिबास तो सलवार कमीज होगा ना, हमारा कौमी लिबास है। देखें, एक्सक्यूज मी, क्या नाम है दर्जी? माय क्वेश्चन, मैं जवाब दे दूं? एक्चुअली मुझे लगता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी दूसरे मुल्क में पहन के चले जाए तो लोग अयादत करने लग पड़ते हैं। Isn't it amazing? और डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ, दुनिया का पहला एयर कंडीशन ड्रेस पता कौन सा है? लाचा। इसको ड्रेस डिजाइनर की भी जरूरत नहीं है, गीला करके लपेट लो तो एयर कूलर, सर्दियों में ऊपर ले लो तो हीटर, और अगर श्रृंगार कर लो तो लुंगी, और अगर श्रृंगार करने वाली हो तो साड़ी, और इसे अगर सर पे ले लो तो दुपट्टा, और अगर गले में डाल लो तो पट्टा, और अगर जनानी के सर में दर्द हो तो उसके सर पे इसको बांध दो, दर्द गई, और अगर दर्द बहुत ज्यादा हो तो सर से थोड़ा सा सरका के कस के बांध दो, जनानी गई। कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, जीन के बारे में आपका क्या हाल है? जीन वो एक ड्रेस है ना, वो बाजार तो लग रहा होता है कि 10 किलो का एक तोड़ा है जिसमें 20 किलो आलू डाले हुए हैं। डॉक्टर साहब ये भी कोई ड्रेस है जीन? जितना पुराना फटा और गंदा हो जाए उतना ही महंगा। मेरे भी मैं बात कर लूं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपका पसंदीदा ड्रेस कौन सा है? मेरा पसंदीदा ड्रेस तो सूट है। अच्छा, सूट की ये खूबी है, हाँ जी, कि ये आपको सूट ना भी करे तो फिर भी सारे यही कहते हैं सूट है। वाकई वेरी फनी। और डॉक्टर साहब इन्होंने क्या काम करना है ड्रेस डिजाइनरों ने, इन्होंने तो घर के पर्दों से लेके सोफों के कपड़ों तक के सब के सूट बना दिए, ये फैशन है? एक्सक्यूज मी, मैंने तो कई सियासतदानों के भी सूट्स डिजाइन किए हैं। यू नो सियासतदानों और आम लोगों के ड्रेसेस में कितना फर्क होता है। आम लोग सूट्स के साथ जेबें लगवाते हैं जबकि सियासतदान जेबों के साथ सूट्स लगवाते हैं। ये ड्रेस डिजाइनर अपनी बुटीक तब खोलते हैं जब इनके पास बहुत काम होता है जी, और आपकी दुकान पे तब ताला लगा होता है जब आपके पास बहुत काम होता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हम तो मेहनती लोग हैं, इन्होंने कौन सा काम खुद करना होता है। मैंने अपनी जिंदगी में पहला ये डिजाइनर देखा है जो बिल्कुल क्लियर कट है, नहीं तो डिजाइनर अपने डिजाइनों की तरह नहियों में नशियों में पता नहीं चलता कौन है। वैसे मैं आपका ऐसा ड्रेस डिजाइन करूंगा आपको पता नहीं चलेगा ये ड्रेस है या ड्रेस होगी। अब बैठ जाएं। ओके प्लीज आप मेरे साथ तमीज के दायरे में रहकर बात करें। ओके ये क्या ये क्या कर रहे हैं आप? दायरा बना रहा हूँ। आप प्लीज नॉर्मल हो जाएं। फैशन डिजाइनर अगर नॉर्मल हो जाए तो वो टेलर होता है। डॉक्टर साहब अगर आपने इसको बुलाना था तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? एक्सक्यूज मी मोहतरमा, मुझे अंडर एस्टिमेट ना करें। अभी मैंने पिछले दिनों डॉक्टर साहब एक नई शलवार डिजाइन की है, एक शलवार को 2 नेफे लगाए हैं, ये जिद्दत नहीं तोर क्या? एक शलवार में 2 नेफे? जी क्यों? पहला नेफा डरता था। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हम हैं गरीबों के डिजाइनर,
दो नेफे इसलिए लगाए हैं कि गरीब आदमी नेफे में एक तरफ से पैसे डाले और दूसरी तरफ से निकाल ले, क्योंकि गरीब का यही बैंक होता है NCB। ये NCB क्या है? नेफा कलेक्शन बैंक। कर लो बात। देखिए हमारी तो पूरी टीम होती है, एक आइडिया कंसीव होता है, फिर उसकी ड्राइंग होती है और फिर उसके बाद शाहकार तैयार होता है। नहीं, पूरी टीम होती है और टीम को पता ही नहीं होता बन क्या रहा है। टीम तो मेरे साथ भी है डॉक्टर साहब, मैं अकेला काम नहीं करता। मेरी टीम में मेहदी हसन, नूर जान और कभी बीवी गुस्से में हो तो अताउल्ला भी होता है। आपने इतने इतने बड़े लोगों को अपनी टीम में शामिल कर दिया, मजाक तो ना करें। असल में डॉक्टर साहब मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी टीम है, ये गाते रहते हैं, मैं बैठ के कटाई सिलाई करता रहता हूँ। वेट अ मिनट, ओह माय गॉड, इंपॉर्टेंट कॉल है, मेरी सुननी पड़ेगी। हेलो, हाय सल्लू मेरी जान, हाँ हाउ आर यू? नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, बस ये डॉक्टर यूनिस बटन का शो है, यहाँ पे आई हुई हूँ। हाँ करना पड़ता है, यू नो। हाँ क्या करें, चलो ठीक है, ओके बाय बाय। यू नो वो सलमान खान का फ़ोन था, वो एक्चुअली मैं उसकी नेक्स्ट मूवीज़ के लिए शर्ट्स डिज़ाइन कर रही हूँ ना। ये बिल्कुल झूठ बोल रही हैं डॉक्टर साहब, सलमान खान तो फिल्मों में शर्टें पहनता ही नहीं। डॉक्टर साहब ये आपने मुझे किसके साथ बुला लिया है? ये बशीरा टेलर हैं। अच्छा बशीरा साहब ये बताएं कि ईद के दिनों में, हाँ जी, आप हर किसी को कहते हैं कि अपना ड्रेस कल आके ले जाना, ठीक है, और जब वो कल आता है तो आप कहते हैं कल आके ले जाना। देखें डॉक्टर साहब, इस बात से साबित हुआ कि मैं जबान का पक्का आदमी हूँ। पहले मेरे पास आता है कस्टमर, मैं कहता हूँ कल आके ले जाना, अगले दिन आता है फिर यही कहता हूँ कल आके ले जाना, साबित हुआ कि मैं जुबान का पक्का आदमी हूँ। अच्छा आपके इस पक्का होने में ही दूसरों की ईद गुजर जाती होगी। ज़ारा ये आप अपना एक तो फोन बंद कर दो, हैं? हाँ दोबारा जो है वो सलमान खान की कॉल आ जाएगी। अच्छा और दूसरा ये है कि अब ये बताएं कि आजकल आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? हाँ हाँ एक्चुअली डॉक्टर साहब मैं ना लेटेस्ट ऐसे डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ ऐसे बच्चों के लिए जो अंगूठा चूसते रहते हैं, यू नो मेरे डिज़ाइन पहनने के बाद बच्चे अंगूठा चूसना छोड़ देते हैं। आपके उस डिज़ाइन में क्या खास बात है, क्या मेडिकल डिजाइन बनाया आपने? असल में हमने बच्चों की पैंट्स और पजामा में इलास्टिक लगा दी है कि वो सारा दिन पैंट को ऊपर नीचे करते रहते हैं, उनके हाथ फ्री होंगे तो फिर वो अंगूठा चूसेंगे ना। हाँ, स्मार्ट आया। अच्छा ये ड्रेस आपका मेडिकल स्टोर से मिलेगा? डॉक्टर साहब वैसे यही कुलिया क्रेप्ट सियासतदानों पे भी अप्लाई किया जा सकता है। ये क्या फलसफा झाड़ रहे हैं आप? सारा दिन लास्ट की तरफ ध्यान रहेगा, करप्शन की तरफ जाएगा ही नहीं। बशीरा साहब आप टेलर ही रहे हैं, फिलासफर ना बने हैं। अच्छा ये बताएं कि आप क्या क्या बनाते हैं? मैं बेवकूफ़ बनाने के अलावा सब कुछ बनाता हूँ जी। अभी पिछले दिनों में मैंने एक ड्रेस डिज़ाइन किया, इतना सस्ता डॉक्टर साहब कि एक बंदा आया, उसने ड्रेस देखा और कहने लगा इसकी तो जेबें नहीं है। मैंने कहा भाई ये बगैर जेब के किसी खास मकसद के लिए बनाया। कहने लगा जी क्या मकसद है? मैंने कहा भाई देखें अगर किसी के पास जेब में रखने के लिए कुछ हो तो वो ये ड्रेस लेगा ही क्यों। कमाल है। एक रिसर्च के मुताबिक yes. खवातीन का जो ड्रीम होता है वो ये नहीं है कि उनको ख्वाबों का शहजादा मिले। उनका सबसे बड़ा ड्रीम ये होता है कि वो कुछ भी खा लें मगर मोटी ना हो। वाह yes, you're right. और मेरा ख्याल है वो अपने ड्रेसेस के मामले में भी ऐसे ही ड्रेस चाहती होंगी। जनाना सूट बनाने में यही तो प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, वो स्मार्ट नजर आने के लिए अपना वजन आधा नहीं करेंगी, सूट का कपड़ा आधा कर लेंगी। मैं जवाब दे दूं? जवाब है एक्चुअली डिजाइनर का यही तो कमाल होता है कि उनकी ड्रेसेस पहनने वाला खुद को इजी और कंफर्टेबल फील करे, और ड्रेस के साथ साथ इसकी प्राइस से भी इजी फील करना चाहिए। पता नहीं चलता डॉक्टर साहब इनका लिबास पहनने से सांस लेना मुश्किल हुआ है या बिल दे के सांस लेना मुश्किल हुआ है। बशीरा टेलर साहब जी जी, आपकी जो शॉप है ना उस पर एक बोर्ड लगा हुआ है, हाँ जी, कि जोड़े आसमानों पर नहीं बनते हमारी दुकान पर बनते, क्या साथ आप कोई शादियां भी करवाते? ओह डॉक्टर साहब आप भी मुझे भोले ही लगे हैं, जोड़े सिर्फ जराबों के होते हैं, बाकी सारा कंप्रोमाइज ही होता है। ये आपने मुझे अपने घरेलू हालात बता दिए। हाँ यू नो जो मैं अपने शादी का ड्रेस है वो खुद ही डिजाइन कर रही हूँ। अच्छा आपकी शादी जो है सिर्फ इसीलिए
लेट हो रही है कि डिजाइन आपसे नहीं हो रहा अभी पूरा? हाउ डू यू नो? एक्चुअली पता है मेरा रिश्ता तो आज से 4 साल पहले ही हो गया था, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि यू नो थोड़ा सा वेट करो क्योंकि मेरे ड्रेस पे स्पेशल डिजाइनिंग होनी है, यू नो क्रिएटिव काम है, थोड़ा टाइम लगता है, उस पर मैं स्पेशल दबके का काम करवा रही हूँ। तो क्या जरूरत था दबके का काम करवाने की? शादी कर ले, खावन ने दबके ही मारने थे। एक्सक्यूज मी, उस पर मैं गोल्ड का काम करवा रही हूँ, सिलमी सितारे लगा रही हूँ। वाह वाह वाह। यस, और उसके ऊपर मैं सोने का काम करवा रही हूँ, यू नो आर्ट वर्क होगा ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो शादी का जो जोड़ा होता है वो एक दिन तो पहनना होता है, उसके लिए इतने इतने पैसे खर्चते हैं, इतने इतने साल उस पर मेहनत कर रहे होते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, लड़की का ख्वाब होता है कि अपनी शादी पे वो स्पेशल लगे, यू नो मैं जो ड्रेस बनवा रही हूँ उसके साथ मैंने मैचिंग डायमंड्स भी लगवाए हैं उस पर। इतनी तैयारी, ये आप ड्रेस बनवा रही हैं या चागी धमाकों की तैयारी कर रही हैं? यू नो कोहे नूर मंगवाया है मैंने स्पेशल उसमें लगाने के। अच्छा, इसमें ये भी तो मुश्किल होता है ना, शोबिज के लोग होते हैं वो, तो जितना उनका जो है वो ड्रेस चलता है उतनी उनकी शादी नहीं चलती। देखिए, ड्रेस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ड्रेस तो फिर काम आ जाता है, यू नो फिर आप उसको दोबारा से तोड़ चढ़ा के नया ड्रेस बना लेते हैं। अभी थोड़ा फिक्रा शॉर्ट कर रही हैं। कोई पैकेज है कि अगर एक आदमी जो है उसने 2-3 शादियां करनी हो इकट्ठी तो आपसे ड्रेस डिजाइन करवाना हो? बहुत अच्छा आइडिया आपका। एक्चुअली हमारे पास एक ऐसे क्लाइंट आए थे जिन्होंने 4 शादियां करनी थी, यू नो यूएई से थे वो, तो फिर मैंने उनकी 4 बीवियों के लिए ड्रेस बनाए थे, 2 को मैंने फ्री में बना के दिए थे। नहीं, वो 4 के अलावा 2 नहीं, 2 के साथ 2 फ्री थी। ये जो आपने पूछा है 4 शादियों का, ये आपने सवाल किया है या कुछ ज़हन बना लिया है? नहीं, मैं सवाल किया है और आपसे भी मैं पूछना चाह रहा हूँ जी जी, कि आप दूल्हे भी तैयार करते हैं जी, और जो दूल्हा आप तैयार करते हैं ना उसकी शक्ल देख के लग रहा होता है कि ये बेचारा पहले ही 20 साल से शादीशुदा है। मतलब इतना मजलूम शक्ल से लग रहा होता है। हमारा कस्टमर है ही गरीब डॉक्टर साहब, आपको पता है निचली सतह के लोग आते हैं, कई मर्तबा तो ऐसा होता है जिसकी पहली शादी है शादी वाले दिन पकड़ा जाता है कि इसकी पहले भी शादी है। अच्छा, मतलब अजीब गरीब के साथ कोई अजीबो गरीब भी काम चल रहा ले। यू नो हमने तो पहले ही क्लाइंट्स को कहा होता है कि जो पुफियाँ हैं उनको दूर रखें, यू नो नज़र लग जाती है क्योंकि मेरे डिज़ाइंस बहुत प्यारे होते हैं, तो जो पुफियाँ हैं जो खालाएँ हैं बहुत हसद करती हैं, तो मैंने पहले ही कह देती हूँ कि मैं प्लीज़ उनके लिए डिज़ाइन कुछ नहीं करूँगी। अच्छा, आपके जो डिज़ाइन है उनको नज़र लग जाती है? Yes, तो मतलब डिज़ाइनों के लिए साथ एक बुरका भी डिज़ाइन कर लिया करें ना, ताकि आपके डिज़ाइनों को छुपा के रखा जाएगा। यस, एक्चुअली आजकल जो है ना वो आजकल फैशन है, नज़र बट्टू भी मैं साथ लगा के देती हूँ। और देखें, अपने फैशन में कह रहे हैं फुफियों को भी दूर रखें, यानी ये सिर्फ ड्रेस बनाते हैं, रिश्तेदारी नहीं बनाते। कहते हैं कि जो लिबास होता है उससे दूसरे की शख्सियत की पहचान होती है। वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल पता चलता है। वैसे बाय द वे दर्जी, ये मेरे ड्रेस से तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं बताता, मेरी मर्जी। नहीं, आपके ड्रेस से ये लग रहा है कि आपकी बुटीक नहीं चल रही। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं, नहीं, मतलब आपने ड्रेस से कहा है ना, वैसे तो मुझे पता है कि आपकी बुटीक इतनी चलती है कि एक दिन लिबर्टी में होती है, अगले दिन भगवानपुरे में होती है, बहुत चलती है। ये आप देख रहे हैं जो जैकेट मैंने पहनी, इस पे जो काम हुआ है, ये क्रोकोडाइल जो है ना, ये उसकी स्किन है। सॉरी टू से, ये मगरमच्छ की स्किन है जो मैंने लगाई हुई है, यू नो डॉक्टर साहब। ये कितनी महंगी होती है, कितने डॉलर्स की आती है, आपको पता है? ये देखिए, ये सारा, ये जो ये लेपर्ड की स्किन लगाई हुई मैंने, देखे, यानी सारे जानवर स्किन के बगैर घूम रहे हैं, और सारी चीजें जो है वो डॉलर्स की रखी है जी, ताकि जो है ना घर बैठे बैठे प्राइस बढ़ती रहे कपड़ों की। और ये देखिए, जो मेरे शूज है, ये मैंने 4 बिल्लियां मारी थी और उसके फिर मैंने बनाया। आपने कैट की बनाई है शूज जी, और आप कैट वॉक करती हैं, यस, तो पांव से म्याऊं म्याऊं की आवाजें तो आती होंगी? नहीं, म्याऊं म्याऊं की तो नहीं, लेकिन जब मैं वॉक करती हूं तो बहुत सारे म्याऊं की आवाजें आती हैं। हाँ, वो तो दूसरों के म्याऊं होते हैं ना। हाँ जी, वो म्याऊं नहीं, वो कहते म्याऊं म्याऊं। यू नो अभी जो मैं हेलोवीन के लिए ड्रेस तैयार कर रही हूं, वो बहुत प्यारा है, उसमें मैं स्पेशल खाल लगा रही हूं स्नेक की, तौबा, और उसके ऊपर जो है ना मैं वो भालू के जो ना छोटे 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 वो दांत लगा रही हूँ। ड्रेस डिजाइनर्स के जो ड्रेसेस होते हैं, yes, ये ड्रेसेस जो होते हैं वो रूटीन में तो लोग पहनते नहीं है। yes, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ कैटवॉक के लिए होते हैं। ना हमारे माशरे में उस तरह का कोई लिबास, बल्कि कोई मोहल्ले में, इनके मोहल्ले में चला जाए बंदा ऐसा लिबास पहन के तो लोग कहेंगे पागल हो जी, बच्चे पीछे लग जाएंगे जी, बट्टे मारेंगे, बल्कि पानी के भर भर के शापर मारेंगे पीछे से। देखिए जी, आप रेंज रोवर देखिए, लिमिटेड एडिशन आता है ना, हमारे ड्रेसेस भी ऐसे ही होते हैं, लिमिटेड एडिशन होते हैं, लिमिटेड लोग पहनते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता।
वैसे फैशन सेंस इनकी इतनी अच्छी नहीं है, देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कैमल रेस की रेफरी बैठी हुई है। एक्सक्यूज मी, ये आपने कहाँ से ड्रेस लिया हुआ है? ये क्या लंडे से आप उठा के ड्रेस ले आए हैं? अच्छा, आपके ड्रेसेस में एक चीज है क्या कि जो एक दफा आपसे ड्रेस खरीद लेता है फिर वो दोबारा आपकी शॉप पे नहीं आता? नहीं, एक दो क्लाइंट्स आए हैं, उन्होंने कहा कि ये आप कहीं बेच दें, कोई पहन नहीं रहा। फिर मैं ले लेती। जो होता है ड्रेस डिजाइनर इतने ज्यादा महंगे होते हैं जी, कि टेलर जो है वही कपड़ा टेलर की दुकान से उठा के अगर आपकी बुटीक पे रख दिया जाए जी, तो लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यही तो धोखा होता है जी हमारे साथ। अब आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया, क्या बताऊं, इतने फैशन डिजाइनर आते हैं हमारे पास, हमसे लोकल से कपड़े बनवा लेते हैं, डॉलरों में बेच देते हैं। तौबा, मुझे ये बताएं आपने अपनी शादी में ड्रेस कहाँ से बनवाया था? इन्होंने पहले इरादा बनाया था अच्छा, कि अपनी शादी पे अपना ही बना हुआ ड्रेस पहनेंगे जी। अच्छा। लेकिन जब बना रहे थे ना तो वो आंसुओं की वजह से ना गीला हो जाता था हर दफा, तो रंग उड़ गया उसका जी, चटाक पड़ गए उसमें, जैसे पड़ गया फुलबेरी वाला बंदा नहीं होता। हाँ। ऐसा सूट हो गया था। इसे अगर आप मुझसे बनवाते तो मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट देती अपना 2+2 वाला। शादी का सूट जरूर बनवाना है, आप हुक्म करें शादी कार्ड बनवा लेते हैं। तो जरा ये बताइएगा कि हमने हमेशा आपको कैट वॉक करते देखा है, नॉर्मल वॉक भी आप कर लेती? देखिए जी, नॉर्मल वॉक तो वो लोग करते हैं जो नॉर्मल होते हैं, मैं यू नो आई एम नॉट नॉर्मल। तो किसी डॉक्टर को दिखाना था? आप तमीज के दायरे में रहें। वन मिनट, ये देखें, ये तमीज का दायरा, ये वापस, जो मैंने पहले तमीज का दायरा बनाया था ना उसमें से मेरे पांव बाहर रह गए थे, मैंने अब अंदर कर लिए। आप ड्रेस डिजाइनर ना बने, दर्जी रहे। अल्लाह माफ करे, ऐसी बीमारी का तो मुझे कभी शक भी पड़ जाए ना तो मैं फौरी डॉक्टर से इलाज करवा लूं। जी जारा। yes. आपने ड्रेस डिजाइनिंग पढ़ी है या आपके साथ हादसा हुआ है? ओह गॉड, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, मैं तो खुद पढ़ाती हूँ फैशन डिजाइनिंग, यू नो इतना बड़ा सेटअप है मेरा, और ऐसे तो मैंने 40 मास्टर रखे हुए हैं। अच्छा, जब आप कोई नए डिजाइन बनाती हैं हाँ, तो कुछ ऊटपटांग बन जाता है तो उसका क्या करती हैं? वो मैं हम स्टाइल अवार्ड वालों को दे देती हूँ, यू नो यही तो हमारा कमाल है कि जितना ऊटपटांग ड्रेस होता है वही ट्रेंडिंग में होता है। अब आप मिसाल ले लें, लास्ट टाइम जो मैंने डिजाइन बनाया अलीजे के लिए ना शोल्डर लेस, वो इतना पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि आई कांट टेल यू। अच्छा, ये जो ड्रेसेस होते हैं शोल्डर लेस तो फलाना लेस, तो अक्सर देख के लगता है कि माइंडलेस होते हैं। या गुड पॉइंट, माइंडलेस भी और कुछ ब्रेनलेस भी होते हैं, बट उनकी डिमांड होती है कि कुछ नया होना चाहिए जो आई कैच यू। डॉक्टर साहब, ये फैशन नहीं है कि जिस शर्ट की कोई बाजू ना हो वो भी फैशन है, जिस शर्ट का घेरा फट जाए वो भी फैशन है, जिसका गला छोटा निकल आए वो भी फैशन है, ये फैशन है सर। अच्छा, ये क्या वजह है कि हमेशा वही ड्रेसेस ज्यादा पॉपुलर होते हैं जो अच्छे नहीं होते या जो बड़े मतनाज़ा किस्म के होते हैं? यस, यू नो लास्ट टाइम हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हमने एहसन खान को हमने पहनाया था कि एक वेस्ट कोट के साथ धोती पहनाई, यू नो इतना पॉपुलर हुआ फूलों वाला, यू नो उस पे गाने भी लोगों ने कई बनाए थे। हाँ जी, एक दो बंदे हाँ, तो उसके पाँव में बेलचा रख गए थे। अच्छा, ड्रेस डिजाइनर को ये फायदा होता है कि जो मर्जी ऊट पटांग बना दे लोग यही कहेंगे वो क्या नई चीज बनाई है। अजी बिल्कुल, उसका डिजाइन देख के तो कई धूलों ने कहा था कि मुझे भी ऐसा फूलों वाला धोती पहनना है। और इन्होंने तो एक मर्तबा ये बोरी नहीं होती बोरी, उसकी पैंट बना दी, वो तो पहनने वाले को पता चला ये मिर्चों वाली बोरी थी। आपको पता है वो धोती कितनी एक्सपेंसिव है, बोरी कितनी एक्सपेंसिव, वो मार्केट से जो ना रेयर हो गई, नायाब हो गई है। हम तो बोरी को जानते हैं, कभी कराची से बोरियां मिला करती थी। अच्छा चले, बोरियां को छोड़ते हैं। ये ड्रेस डिजाइनर्स पर हमेशा एक इल्जाम लगता है कि ये कॉपी करते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम किसी का डिजाइन चोरी या कॉपी नहीं करते, हम एक्चुअली इंस्पिरेशन लेते हैं। एक्सक्यूज मी, आप क्यों हंस रहे हैं? लतीफे पे मेरी हंसी निकल ही जाती है जी। नाजरीन, आपने एक ड्रेस डिजाइनर और एक टेलर मास्टर की बातें सुनी, हो सकता है उनकी बातें सुन के आपको कोई मायूसी हुई हो, लेकिन हम मायूस नहीं, क्योंकि हम पॉजिटिव सोचते हैं। आप भी आज से प्लीज़ बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव प्रोग्राम भी देखें और ख़ुद भी पॉजिटिव रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।